भाई लोग हर बार की तरह हर हफ्ते की तरह फिर से आ गए हमें और एकदम नेक्स्ट लेवल GTA 5 एक्सपेंड इसकी गेम प्ले वाली वीडियो में। और भाई साहब पिछली वाली वीडियो की बात करें हम, तो भाई पिछली वाली वीडियो में हमने एक US आर्मी के बेस से एक भाई B2 बॉम्बर चुराया था, मतलब बहुत तगड़ा बॉम्बर। और भाई साहब एक चेक ने बेस लिया था आर्मी बेस US आर्मी से, उसके ऊपर भाई बॉम्बिंग करी थी खतरनाक वाली, पूरा बेस डिस्ट्रॉय कर दिया था और शेख को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके बाद में हम रॉन के एयर स्ट्रिप पे गए थे टच डाउन कराने, और उस टाइम पे भाई रॉन वहाँ से अपना सारा सारा सामान वान भी हटा था, इलीगल सामान, ठीक है। और भाई फिर क्या कहते हैं, उसने हमारे से कहा था कि वो ऐसे इसलिए कर रहा है कि स्टोरी मतलब मैं ऐसे दिखानी है सबको, सरकार को, शेख वगैरह को, कि भाई जो मतलब एजेंट आया था जिसने यहाँ पे बॉम्बिंग करी सारे में, वो रॉन की एयर स्ट्रिप पे लैंड हुआ था उससे तेल लेने के लिए। लेकिन जैसे ही ने पता लगा कि ये US आर्मी का ऑफिशियल बॉम्बर नहीं है, ये कोई ऐसा किसी का चुराया हुआ बॉम्बर है, तो इन लोगों ने क्या करा, उसके ऊपर फायरिंग कर दी और भाई वहाँ पे बम बम मार दिया उसके ऊपर दो चार, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, तेल उसे मिला नहीं। अब तेल की कमी से इतना ज़्यादा डैमेज होने की वजह से वो जैसे ही आगे गया आगे जाके फट गया। और हमने क्या भाई वहाँ पे टच डाउन करते उसके ऊपर बॉम्ब भी लगा दी थी अपने आप से, जिससे कि वो जो है आगे जाके जहाँ हम उसे छोड़े समुद्र के पास वहाँ पे हम तो कूद जाए और उसका बॉम्ब ट्रिगर कर दें और पूरा का पूरा फट जाए। अगर तुम्हें मजा आए इस वीडियो में तो तुम्हें बताया क्या करना है, भाई कहते हैं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर पिछले वीडियो में देखी कोई वीडियो देखी अभी तक तुम्हें, तो भाई पूरी सीरीज आ चुकी है GTA 5 की, पूरी देखना है ना, ठीक है भाई लोग। तो अभी हम फिर से अगले दिन हो चुका है, यहाँ है अपने होटल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योर लाइन पे लेस्टर का फोन आया था हमारे पास, और लेस्टर ने कहा कि भाई साहब अभी हमला होने के बाद ना वहाँ पे भाई हमारे पीछे US गवर्नमेंट ही पड़ गई। उन्हें लगा कि भाई ये हमला शेख के ऊपर नहीं है, उनके ऊपर था, पहले उनके जो मेन आर्मी बेस था उससे एक बॉम्बर चुराया, उसके बाद में किसी ने जो है शेख के ऊपर हमला कर दिया, मतलब शेख के ऊपर क्या, उन्हीं के दूसरे आर्मी बेस के ऊपर हमला कर दिया। और भाई साहब उन्होंने क्या है शेख के साथ बिल्कुल एकदम पहले तो वैसी थोड़ी सी पार्टनरशिप सी गई थी, अब भाई साहब बिल्कुल परमानेंट वाला हाथ मिला लिया है US वालों ने। और भाई साहब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज़्यादा तेज कर दिया है। तो लेस्टर ने कहा है कि अगर ये दोनों साथ मिल गए, मतलब US वालों को वहाँ पता लग गया और शेख का साथ उन्होंने दे दिया हमारे पर हमला करने में, तो भाई हम उसे नहीं झेल पाने के, हम बिल्कुल नहीं बच सके। तो इसीलिए लेस्टर ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का पता लगाया जो कि US गवर्नमेंट का है, और उसके उसमें क्या है भाई, वो बना रहे हैं क्वीन जेट, हाँ भाई वही एवेंजर वाला क्वीन जेट। और भाई उस का यूज़ करके लेस्टर कह रहा है कि हम बच सकते हैं, हमारा चांस है। वो एक सीक्रेट US गवर्नमेंट की फैसिलिटी के ऊपर है जो क्वीन जेट है, तो हमें क्या है उस US गवर्नमेंट फैसिलिटी पे जाना है भाई, उस क्वीन जेट को चुरा कर लाना है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला जितना हमने बोल दिया। तो लेस्टर ने कहा कि फटाफट अपने एजेंट की यूनिफॉर्म पहनो, पहुंचो उस US गवर्नमेंट की फैसिलिटी पे। और क्वीन जेट के बारे में लेस्टर ने भी बताया कि भाई साहब वो जो है पूरी तरीके से स्टेल्थ है, उसके उसे मतलब वैसे भी नहीं देखा जा सकता आंखों से भी, अगर हम किसी के सिर पे भी ला कर उसे खड़ा कर देंगे ना तो भी उसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि उसे आंखों से भी नहीं देखा जा सकता आसानी से अगर हम चाहें तो। उसके बाद में भाई उसे किसी भी तरीके की मिसाइल से लॉक नहीं किया जा सकता, मतलब कोई हीट सीकिंग मिसाइल हो या फिर लेज़र गाइडेड मिसाइल हो, कोई मिसाइल हो उसे लॉक नहीं किया जा सकता। अगर उसके ऊपर भाई कोई RPG भी मारेगा, RPG भाई कितना खतरनाक होता है, अगर कोई RPG भी मारेगा उसके ऊपर तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसके ऊपर है एक एनर्जी शील्ड जो कि भाई मतलब एनर्जी से चलती है और किसी भी तरीके के RPG या किसी भी तरह के अटैक को रोक सकती है बड़े आराम से। और भाई साहब सबसे जरूरी चीज़ के बारे में तो मैंने तुमसे बात करी नहीं अभी तक, भाई साहब ये देखो अपने जिमी भाई के कपड़े चेंज हो चुके हैं, मतलब पहले यहाँ पे ऐसा टाई और शर्ट पहनता था भाई अपना, और अब वेस्ट और शर्ट है ना। तो भाई ऐसा नहीं है कि अपनी वजह से चेंज कर लिए, भाई यूनिफॉर्म है और हमारा प्रमोशन हो चुका है, यहाँ से जो है ये पानी में इधर उधर घूमती रहती है ना, तो अभी यहाँ पे इन्होंने पार्क करवाई है ला के। और एक बार याच के अंदर चल के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, भाई ये वैसे इन्होंने ये दिखा रखा है यहाँ पे कि मतलब वैसे ही एक छोटा सा आर्टिफिशियल वो बना रखा है लेक, और उसके अंदर एक याच है, ऐसा इन्होंने दिखा रखा है सबको। लेकिन भाई इसलिए में एक सीक्रेट होटल है लेस्टर फ्रैंकलिन ट्रेवर माइकल इन सब का और हमारा भी। और यहाँ पे भाई एक छोटा स्विमिंग पूल है, अगर किसी को भाई बाहर का पानी पसंद ना आए उसके लिए बाहर का पानी कम पड़ जाए तो ये चुल्लू में पानी भी है उसके डूबने के लिए। और ये आ गया भाई हेलीपैड याच के ऊपर, किसी कोई भाई VIP बंदा आना हो तो उसका हेलीकॉप्टर भी लैंड किया जा सकता है। पूरी याच जो है अंदर से लॉकड है, बस बाहर बाहर से खुली हुई है। तो ये जो बेस था ये इसलिए बना रखा है सबकी गाड़ी वाड़ी खड़ी करवाने के लिए, जितने भी गेस्ट होते हैं उनकी गाड़ी खड़ी करवाने के लिए, और यहाँ भाई इसे घुमाते रहते हैं याच को पानी के अंदर। इसके बाद में भाई साहब ये है हमारी आज की बाइक कावासाकी निंजा H2R, जो कि हमें आज मिशन पर मिली है, क्योंकि वहाँ पर हमें नहीं पता किस तरह खतरा होने वाला, तो इसलिए सबसे तेज़ बाइक मिली है हमें। और भाई साहब वैसे इसके बारे में बात करें तो यार कौन नहीं जानता इसके बारे में, मैं मतलब भाई बहुत से लोगों की ड्रीम बाइक है, उनमें से तुम्हारा भाई भी एक है। और वैसे भाई इसके स्पेक्स की बात करें तो भाई मतलब सबसे पहले भाई इसकी स्पेशलिटी है ना कि ये भाई सबसे तेज़ बाइक है,
कोई बाइक भाई भागती नहीं इससे तेज है ना। और भाई वैसे इसके स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर है 998 cc का i4 इंजन ट्विन सुपरचार्ज। हाँ गाड़ियों में टर्बो चार्जर लगते हैं, इसके अंदर सुपर चार्जर लगते हैं बाइक्स के अंदर, तो इसके अंदर ट्विन सुपर चार्ज इंजन है। लेकिन भाई वेट इसका बहुत ज़्यादा कम है इसके पावर के हिसाब से, इसीलिए भाई ये क्या कहते हैं इतनी तेज़ भागती है ना भाई एकदम से, मतलब एक्सेलरेट इतनी तेज़ होती है कि अगर 100 मीटर की ड्रैग रेस हो तो उसमें भाई मैक्लारेन P1, कोनिसैक 1:1, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और भाई बुगाटी शिरोन और यहाँ तक कि एक फाइटर जेट तक को हरा देती है 100 मीटर की ड्रैग रेस में, क्योंकि वो भाई धीरे धीरे एक्सलेट होते हैं भाई, एक्सलेट ऐसे जूप करके होती है। ये यहाँ से निकलने के लिए है, ये वही है अपना F22 रैप्टर। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये मैंने तुम्हें नहीं दिखाया था सारा कुछ, वो उस टाइम पे शायद से मैप अच्छे से लोड नहीं हुआ था, गेम लोड वोड मान रहा होगा किस लिए, लेकिन भाई मैप सही से लोड नहीं हुआ था। तो अब देख लो यहाँ पे एक और यहाँ पे हमें किडनैपर वाली ओमनी वैन मिल जाती है, और ये कुछ गाड़ियाँ हैं कुछ महंगी सस्ती नई पुरानी, और ये एक भाई पोस्ट ऑफिस का ट्रक है, अगर हमें कुछ भाई स्मगलिंग करनी हो तो हम पोस्ट ऑफिस के ट्रक से कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे कुछ और सामान रखा है, ड्रग्स पैसे और बॉम्ब ये सब चीज़ें हैं। ठीक है भाई साहब, तो लेके चलते हैं इसको अपने जॉब पे, और मैं क्या है यहाँ से तो नहीं निकालने वाले इसे क्योंकि ये एयर स्ट्रिप है। ठीक है, मैं वैसे ही यहाँ पे ले आया हूँ चढ़ा के, क्योंकि अभी दिन है तो मैं तुम्हें एयर स्ट्रिप दिखा सकता हूँ, लेकिन ये भाई एयर स्ट्रिप है, यहाँ से मैं बाइक नहीं उतारने वाला। और ये भाई वापस आ गए, पूरा का पूरा भाई बुलेट प्रूफ ग्लास है, जहाँ तक पानी है ना वहाँ तक बुलेट प्रूफ ग्लास है, उसके आगे भाई खुला है भाई, बड़े सही तरीके से आर्किटेक्ट ने बनाया है इस घर को। तो तुम यहाँ पे स्पीड देख सकते हो आराम से, क्योंकि भाई मैं तो ऐसे देख नहीं सकता है ना भाई, मुझे बाइक चलाने के रास्ते पर ध्यान देना है, और मैं इसे पूरी तरीके से एक्सलरेट नहीं कर रहा, थोड़ी सी आराम आराम से ही एक्सलरेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी भी सही और सीधी रोड नहीं है जैसे कि अभी एकदम से मोड़ आ गया। और वैसे इसकी भाई एक्चुअल स्पीड की बात करें असल ज़िंदगी में तो वो जाती है करीब करीब 500 किलोमीटर पर आगे ऊपर, लेकिन इस गेम के अंदर इतनी भी तेज़ नहीं है स्पीड, और ना ही मैं इतनी तेज़ भगा पा रहा हूँ, सीरियसली मैं भगा भी नहीं पा रहा इतनी ढंग से। और भाई साहब ये देख लो, व्हीली वगैरह एकदम बेहतरीन करके मार देती है, इतनी तेज़ भाग रही है फिर भी मैं व्हीली मार पा रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि इसका जो ABS है ना वो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टिव सा नहीं है, मतलब वो ऐसा है कि भाई पूरी छूट देता है कि भगाओ। ठीक है, वैसे क्या कहता है ABS के भाई स्पीड को थोड़ा सा मंदा करता है जिससे कि बाइक पलटी वल्टी ना मारे, इसका ABS नहीं भाई, वो कहता है भगाओ भगाओ जितनी बस की हो भगाओ, है ना। और ये भाई साहब बेहतरीन वाली स्टॉपी, भाई कितनी लंबी स्टॉपी मारी यार, तो इस पे मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए टॉप स्पीड टेस्ट, और यहाँ तो 150 का पड़ जा रही, ये क्या बात हुई भाई, डिसअपॉइंटमेंट। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया, क्या बेकार कर दिया बाइक को इन्होंने, असल ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया है यार, ऐसे तो नहीं पैसे वैसे कम दिए हो, डाउन पेमेंट करी हो या फिर वैसे डाउन पेमेंट क्या सिमियोन ने चुरा के दिया भाई, मैं सही बता रहा हूँ ख़राब बाइक गाड़ी दे रहा है अब हमें सिमियोन। ठीक है भाई लोग, तो हम पहुँच चुके हैं उस इलाके में, और भाई ये है वो जगह, भाई साहब हमें क्या है उस जगह को डिस्ट्रॉय भी करना है, और यहाँ पे भाई ये डिश तो ऐसे लगा रखे जैसे टेलीस्कोप होती है भाई, स्पेस को देखने के लिए टेलीस्कोप नहीं होती भाई, वो एकदम महंगी वाली नेक्स्ट लेवल सी। ठीक है भाई, यहाँ पे एंट्रेंस, और मुझे इसके ज़्यादा पास नहीं जाना, इधर से कल्टी हो लेता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या क्या लगा रखा भाई, तो एक रडार लगा रखे भाई बहुत ज़्यादा तकड़ी, लेकिन ये हमें नहीं देख पाई क्योंकि हमारे पास भाई जब हम वापस जाएंगे तो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। ये नीचे से इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है, ये क्या कहते हैं भाई, ये वही मशीन गन है वो जो वहाँ पे देखी थी हमने इनके होटल पे, पीछे वाला जो होटल था उस पे भाई जो इन्होंने वॉल्ट के अंदर रखी हुई थी भाई, कई सारी लगा रखी हैं। और अभी क्या कहते हैं, इनके कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिवेट नहीं होंगे हमारे पास जाने से, सिस्टी वगैरह, क्योंकि लास्ट ने जो है हमें एक EMF डिवाइस दे रखा है जो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को बर्बाद कर देगा जैसे हम उनके पास जाएंगे। ठीक है भाई, एंट्रेंस पे एक बंदा खड़ा है, ये मशीन गन वाली गाड़ी ले खड़ा है, तो इन्हें इस तरीके से मानना पड़ेगा कि एक को दूसरे का पता ना लगे भाई, RPG लेके वैसे खड़ा है बंदा, तो पट से हेडशॉट, ये गया भाई दूसरा, ये रहा तीसरा वाला बंदा, गया भाई पूरा यार आर्मी बेस बना रखा है खतरनाक सा। और यहाँ पे अपनी गाड़ी की खड़ी कर देते हैं अपनी बाइक, इस टैंक के अंदर कोई नहीं है। ठीक है, वैसे ही भाई दिखाने के लिए खड़ा कर रखा है कि कोई आए ना अंदर। और भाई साहब हमें क्या है इस पूरे आर्मी बेस को डिस्ट्रॉय भी करना है साथ के साथ, तो मैं क्या भाई इसके अंदर अभी बम लगाने वाला हूँ इन टैंकों के अंदर, क्योंकि जिससे कि जब हम यहाँ से लेके भागेंगे तो कोई हमारे पर वैसे ही अटैक ना कर पाए।
ठीक है भाई लोग, अभी हम अंदर आ गए, अभी हमें बहुत ज़्यादा सावधान सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि एक रिसर्च फैसिलिटी प्लस आर्मी बेस है यहाँ पे। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, रिसर्च फैसिलिटी तो है ही, इसे हम सरप्राइज पिस्टल से एकदम से धाप करके ठोकने वाले हैं। ठीक है भाई, नीचे कितने सारे आर्मी के ट्रक वगैरह हैं क्योंकि रिसर्च फैसिलिटी है भाई पूरी एक। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब बनते रहते हैं आर्मी के सामान, ये भाई हाई ग्राउंड पे लेके पूरा ध्यान रखे हुए हैं लोग, लेकिन अभी तक हमारे होने का पता ही लगा। तो गेम ओवर सर। ठीक है, अभी कोई दूर दूर तक नहीं है, तो चलते हैं अंदर। ये भाई कैसी कैसी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं यहाँ पे भाई साहब। इनका ये हेल्थ केयर का सेंटर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, ये कंट्रोल रूम है, इन्हें हमारे होने का पता लग गया, इन्होंने भाई साहब गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया क्योंकि ये CCTV वगैरह मतलब सबको मॉनिटर कर रहे हैं, तो अनयूजुअल एक्टिविटी होते ही इन्हें हमारा पता लग गया। तो यहाँ पे हम ओपन फायर कर देते हैं, ये ले भाई, ये भाई इनका जनरल है जो क्या कहते हैं यहाँ पे इन सब लोगों को मॉनिटर कर रहा था, वही सब कंट्रोल रूम वाले थे ना, तो इन्हें इससे पता लग गया था कि क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो मैंने पहले बीच का फ्लोर क्लीन कर दिया जिससे कि, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल रूम है, अगर यहाँ से हम कुछ करते तो कंट्रोल रूम से कुछ गड़बड़ कर सकते थे, लेकिन अभी हमने इनके PC वगैरह भी फोड़ दिए और क्या कहते हैं इन्हें भी ठोक दिया, तो ये कुछ कर नहीं पाने। ये भाई ये लोग यहाँ पे पूल वूल भी खेलते हैं, चिल भी करते हैं भाई, चिल का भी इलाका बना रखा है इन्होंने भाई। यहाँ पे तेल है, कितना सारा तेल रखा है यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पे एक बंदा RPG लेके खड़ा है, तेल के पास RPG, ये तो जब हमने ठोक दिए तो आज तो गए थे भाई। इनका तेल तो डिस्ट्रॉय होता, साथ ही हम भी डिस्ट्रॉय हो जाते, लेकिन कोई नहीं भाई, तेल तो इनका फिर भी डिस्ट्रॉय होगा। ये भाई तेल निकाल रहे हैं यहाँ से, ज़मीन के अंदर से। अच्छा, जहाँ तक यहाँ तेल वेल होगा नेचुरली, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये बेस सेटअप कर दिया भाई। कितना सारा तेल है, ये टैंकर टैंकर भरे भरे खड़े हैं तेल के। ये देखो भाई, ये भी तेल का ही है। ये भाई ऐसे चट्टे लगा रखे हैं भाई तेल के। यहाँ पे भाई कुछ वो रखे हैं, सामान रखे हैं भाई, पूरी लॉजिस्टिक्स हैं यहाँ पे भाई। टैंक्स वैंक्स खड़े हैं काफ़ी सारे। ओ भाई भाई भाई, मैं थोड़ा सा छुप जाता हूँ। कितने सारे टैंक्स हैं यार भाई, यहाँ कई सारे बॉम्ब लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे भाई सारे टैंक हमने कर दिए हैं फटने के लिए तैयार। ये भाई एक अलग तरीके की वो हैं टैंक वैंक भाई, मशीन गन लग रखी है, मल्टी बैल रॉकेट लॉन्चर भाई, ये गाड़ियों के ऊपर लगा रखे इन्होंने आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर। और ये भाई और आर्मर्ड व्हीकल हैं काफ़ी सारे भाई, एक बटन दबाते हैं पूरी फैसिलिटी धुआं धुआं हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सामने भाई प्लेन लेन का इलाका, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर का आवाज़ आने लग रही है, मेरे हिसाब से वहीं उन्हें चाहिए क्वीन जेट भी। अच्छा भाई साहब, ट्रेन ट्रैक तक बिछा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे भाई, इन्हें तो उड़ाना बहुत ज़रूरी है, ये तो अपना क्वीन जेट है ही, इसे नहीं करने के बॉम्ब, वैसे भी इसमें कुछ होने का नहीं, इसमें बॉम्ब लगा भी दिया तो इतना मजबूत भाई, अब हमें कोई ऐसा डर नहीं है, पूरे में हमने बॉम्ब भी लगा दिए और अपना मिशन नियरली हो गया, तो अगर अभी हमें देख भी लें तो कुछ उखाड़ नहीं सकते। ठीक है भाई साहब, आ गए हम क्वीन जेट के अंदर और हम ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं। अभी भाई साहब सबसे पहले तो हमें एक काम करना है, इसे स्टार्ट करना, फिर भाई यहाँ पे करना है तमंचे पे डिस्को। ये भाई साहब हमारी मिसाइल, और ओ भाई पूरी रिसर्च फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी इसमें से छेद में से लेकर निकलते हैं भाई इस प्लेन को बाहर। ठीक है भाई लोग, तो हम अभी क्वीन जेट ले काफ़ी दूर निकल आए हैं, शहर के ऊपर को आ गए हम वहाँ से भाग के। और भाई साहब वो जो कुएं से थे ना गोल गोल से, उनमें से प्लेन निकल सकते थे, उनके नीचे प्लेन खड़े थे भाई, ऐसे एकदम से ऊपर को हेलीकॉप्टर की तरह जूप करके और निकल सकते थे वो प्लेन्स। और क्या कहते हैं भाई, ये मैं तुम्हें एक चीज़ बताया भूल गया था, जो है ना क्वीन जेट, ये भाई VTOL कैपेबल है। VTOL का मतलब है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, मतलब ये भाई जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, ऐसा सीधा कि सीधा ऐसे ऊपर जूप करके उड़ जाता है, ऐसे नीचे जूप करके आ जाता है, इस तरीके से ये। और वैसे जाते जुड़ा भी ना भाई 250 के आसपास है, वैसे इसकी स्पीड इतनी कम भी नहीं है, है ना, लेकिन ये है कि उड़ने वाली चीज़ों पर पता ही लगता है स्पीड का। और भाई साहब ऐसा दिखता है कुछ अपना ऊपर से होटल भाई, तुम्हें ओवरव्यू भी मिल गया ऊपर से। ठीक है भाई साहब, ने जैसे तैसे करके लैंड करवा दिया है अपना क्वीन जेट, और बड़ी मुश्किल हुई लैंड कराने में, और मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें लैंड कराया कहाँ हमने। लेकिन भाई ये है, यहाँ से बाहर का दिखता है पूरा इलाका, ठीक है, शीशा है पूरा। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे पूरा ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, यहाँ से मतलब अपना वो कर सकते हैं जो भी चलाने वाने का सिस्टम होता है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रूट का वो भी रखा हुआ है इन्होंने टॉय,
और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये भाई पूरा पीछे का इलाका यहाँ पे डटा वटा लग रखी है, यहाँ से टारगेट किया जा सकता है चीज़ों को। यहाँ पीछे से डोर है, इसमें से निकला घुसा जा सकता है, तो भी चलते हैं बाहर। ठीक है भाई लोग, तो हमने यहाँ खड़ा कर रखा है क्वीन जेट को ऊपर यहाँ के टॉप पे। और अब तुम कहोगे कि भाई जब तुमने खड़ा कर रखा है क्वीन जेट को यहाँ तो दिख क्यों नहीं रहा, तो भाई वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर इनविजिबल पैनल लग रखे हैं, तो उसके वजह से वो दिखता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि भाई वो कहीं वो आ ही नहीं सकता था इतने बड़े होटल में। भाई इतना बड़ा है ना वो कि भाई पूरे होटल में आ ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे F-22 रैप्टर खड़ा रहता था, अभी क्या कहते हैं वो उसने लेस्टर ने मंगवा लिया अपने पास ट्रेवल से कह के, तो अभी यहाँ नहीं है। लेकिन ये भाई खुला है ऊपर से, ठीक है, और ये खुला इसलिए कि अगर भाई कोई हेलीकॉप्टर हो या फिर वीटोल एयरक्राफ्ट हो तो उसे यहाँ से लैंड और टेक ऑफ कराया जा सके एकदम से। भाई पानी के बीच में से एकदम खुला हुआ है, और ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसा एक और जगह है वो यहाँ पे क्या कहते हैं आके ये सीढ़ी जाती है ऊपर को, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं पीछे एक स्विमिंग पूल भी है, अगर मान लो किसी को पानी कम पड़ जाए तो ये वो यहाँ पे भी नहा सकता है। तो भाई यहाँ पे स्विमिंग पूल के ऊपर यहाँ पे आते हैं हम, तो यहाँ पे भाई साहब ये एक और हेलीपैड है, और ये हेलीपैड भाई बिल्कुल वीटोल एयरक्राफ्ट के लिए, पूरा पानी के बीच है हेलीपैड, ठीक है भाई। कांच लग रखा है बाहर, ये ऊपर तुम देख लोगे पानी सा है, और अगर मैं इसके अंदर तुम्हें बैठ के दिखाऊं, क्योंकि भाई अपने हेलीकॉप्टर है, तो ये देखो भाई, भाई साहब इस तरीके से पानी के अंदर से हेलीकॉप्टर उड़ा के ले जा सकते हैं। ये देखो भाई आज के साइड से निकल जाता है हेलीकॉप्टर, है ना एकदम नेक्स्ट लेवल। तो भाई अगर तुम्हें बढ़िया लगा तो एक बार लाइक ठोक दो इस वीडियो पे। अभी क्या कहते हैं उसे ट्रैवल ले गया लेस्टर ने कही थी उससे कहीं और ले जाने के लिए F-22, उसे लग रहा था कि भाई क्वीन जेट को हम यहाँ खड़ा कर देंगे, लेकिन भाई आया नहीं वो यहाँ पे भी। और भाई ये बिल्कुल दोनों के दोनों वो पानी के अंदर ऊपर से खुले हुए हैं, आजू बाजू बिल्कुल पानी है। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में सीखने का, तुम इस वाली वीडियो में जाए पता है इसमें क्या करना है, भाई बोलता हूँ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भर के कर देना है, और मिलते हैं भाई की तरह अगली वीडियो में अगले सैटरडे।